देखिए दोस्तों, गाड़ी को रिवर्स करना सिखाता हूँ, ठीक है? सारा चीज अभी स्टार्टिंग से है, ठीक। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि भाई यदि गाड़ी प्लेन एरिया में है तो आप हैंड ब्रेक को नीचे कर सकते हो, है ना? ये हैंड ब्रेक को ऐसे ये नीचे कर दो, दबाया नीचे हो गया, ठीक है। गाड़ी आगे मूव पीछे मूव नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब फिर क्या करना है, देखो गाड़ी को रिवर्स लेना है, ठीक है। तो इसमें हमारा कैमरा लगा हुआ है पीछे, तो देखिए सबसे पहले तो गाड़ी स्टार्ट होगी, ठीक है। पहले तो आप सीट बेल्ट वगैरह लगा लें, ठीक है, सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखें, ठीक है, सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखें, रिवर्स गियर लगा लें। और हाँ, अब ये देखिए, अब ये हमारा ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब देखना यहाँ पे मैं रिवर्स गियर लगाऊंगा तो ये इसमें पीछे से कैमरे से व्यू आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो रिवर्स गियर कैसे लगाना है, क्लच दबाइए, इसको ऐसा करिए, ठीक है, इनका पकड़ वो स्टाइल होता है, ऐसे ही करिएगा और ये रिवर्स गियर, ठीक है। अब ये अभी अब मैं इंजन स्टार्ट करता हूँ तो ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे जैसे मैं इसको पीछे करूँगा धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा, पीछे कैसे कर रहा हूँ मैं, क्लच धीरे धीरे छोड़ूंगा, तो देखना गाड़ी धीरे धीरे पीछे जाएगी। से धीरे धीरे पीछे जा रही, देखो रियर कैमरा रहता है ना पार्किंग कैमरा, तो उसका यही फायदा होता है, हमको पता रहता है कि भाई पीछे क्या है। देख रियर गियर, मतलब रिवर्स गियर हटाना है तो क्लच दबाइए, नीचे दिखाओ, यहाँ दिखाओ, एक्टिव एक्टिवली दिखाओ, ये क्लच दबाइए और इसको वापस से न्यूट्रल में ले आइए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखना तुम अच्छे से, तो ठीक है, चलवाएंगे। अब आगे बढ़ना है तो ये फर्स्ट ऐसा स्टाइल देखिए, ऐसा और ऐसा, ठीक है। अब देखिए मैं यदि ये, ठीक है, क्या था वो गियर अच्छे से नहीं लगाता, धीरे धीरे क्लच छोड़ लीजिएगा, धीरे धीरे बिल्कुल आराम से क्लच पे पांव रखे रहिए, एक्सलेटर भूल के भी मत दबाना अभी जब आप सीख रहे हैं तो, ठीक है। बस धीरे धीरे से क्लच छोड़ते जाएगा तो गाड़ी क्या है बढ़ती जाएगी, ब्रेक दबाना है, ब्रेक कैसे, क्लच पूरा दबा के हल्के से धीरे धीरे हाथों से, ठीक है। यदि इमरजेंसी रहे तो जल्दी से दबाना है, लेकिन यदि कोई जल्दी नहीं है तो आराम से धीरे धीरे दबाना है, ठीक है। अब देखिए फिर से रिवर्स गियर, क्लच पूरा दबा है ये और ये रिवर्स गियर, ठीक है। अब ये वापस से देखिए धीरे धीरे से क्लच छोड़ना है, ठीक है। क्लच किस से कंट्रोल किया आपने, उल्टे उल्टे पैर से, ठीक है, जस्ट धीरे धीरे से आप छोड़ते जाइए, धीरे धीरे से आप छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, दिख रहा है ना आपको, दिखा दीजिए पीछे भी, दिखा दीजिए पीछे कैसे दिखता है, धीरे धीरे से करना चाहें तो और छोड़ दीजिए, और छोड़ दीजिए, और छोड़ दीजिए, और छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, और छोड़ दीजिए, बस, ठीक है। अब हटाना है, रिवर्स गियर हटाना है, कैसे हटाओगे, ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये इसको नहीं देखना है कहीं, क्योंकि कई कार में ये नहीं रहेगा, ठीक है, ये नहीं रहता है, तो आपको इसी से ही पूरा ध्यान देना है, ये तो जस्ट एक सब इंफॉर्मेशन के लिए है, असिस्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए
तो समझ गए सुमित। हाँ तो पहले गाड़ी को ऑफ कर देते हैं, बहुत सावधानी से करना है, ठीक है। देखिए सुमित जी अब रिवर्स लगा रहे हैं, धीरे 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 लगाइए। अभी क्या है, खाली है, इसीलिए आप सोच रहे हो कि स्पीड से हम पीछे जाएं, लेकिन जब आजू पीछे कोई कार वगैरह खड़ी रहेगी तब दिक्कत होगी, है ना, इसलिए धीरे धीरे की प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे होल्ड करके रख लो, होल्ड करके रख लो, ऐसे धीरे धीरे। देखो एक पीछे गाड़ी जा रही है लेकिन वो बहुत दूर है ना, और पीछे कर लो, देखो जाओ वो एक अंकल जी आ रहे हैं तो उनको निकल जाने देते हैं, ठीक है। पार्किंग कैमरा का ये फायदा हो जाता है कि आपको पता चल जाता है भाई कि पीछे कुंज है। होल्ड कर लो, होल्ड कर लो, पूरा मत छोड़ो, होल्ड कर लो और पीछे कर लो, हाँ और करो पीछे, धीरे धीरे होल्ड कर। अभी क्या किए क्लच को, क्या किया, पूरा छोड़ दिया, पूरा छोड़ दिया, तुम्हें खुद पता चला होगा हैं, इसीलिए गाड़ी क्या हुई बंद हो गया। चलो अब एक बार और आगे ले जाना है, ठीक है। तो ये रिवर्स गियर का कॉन्सेप्ट रहता है, रिवर्स गियर में क्लच दबाइए, ये रिवर्स गियर लगा दीजिए और फिर धीरे धीरे से पीछे पीछे की ओर देखते रहिए, ठीक है। इस कैमरे से आपको देखते रहना है, आप जैसे आगे चलाना है तो आगे के लिए क्या करोगे, सीधा जाना है मुझे, चलाओ कैसे करोगे, सबसे पहले क्या किए क्लच पूरा दबा दिए, ठीक है। गियर चेंज करना है तो क्लच दबाना ही है, पूरा पूरा दबा के रखिए क्लच, ऐसे हल्के वहां से ऊपर ले जाओ, हाँ फिफ्थ गियर लगा देते हो तुम, ऐसे नहीं देख, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ऐसा अब लगाओ फर्स्ट गियर, हाँ बिल्कुल ऐसे ले जाओ, हाँ हाँ ये फर्स्ट गियर, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट गियर लग गया, अब बिल्कुल हल्के हाथों से, अभी लेकिन गाड़ी बंद है, देखो आप तो क्लच छोड़ के देखो, धीरे धीरे इस क्लच छोड़ो, नहीं बढ़ेगी, है ना, क्योंकि गाड़ी क्या हुई बंद हो गई थी, इसलिए क्लच दबाओ, क्लच दबा के ही गाड़ी स्टार्ट होती है आज के टाइम की, बटन दबाओ, स्टार्टिंग का एक बटन होता है, ठीक है, हाँ अब बिल्कुल धीरे धीरे आप धीरे धीरे चलो, क्लच क्या करना है धीरे धीरे छोड़ना है, चलाओ है? देखिए ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे से आप छोड़ दें, जहां आपको लगे थोड़ी स्पीड ऐसा बढ़ रही है तो क्लच को दबा दीजिए, ब्रेक को मत दबाइए, ब्रेक का यूज कम से कम करिए, जब बिल्कुल हाँ स्लो कर लो, क्लच पूरा दबा दो, क्लच पूरा दबा दो, ठीक है, ठीक है। तो आज अभी इतना ही, फिर मैं इसमें आगे वाली जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं सुमित जी को स्टीयरिंग का यूज करना सिखाऊंगा, अभी आज के लिए भी बहुत बहुत घबरा गए होंगे वो, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है और बढ़िया से कॉन्फिडेंस होके चलाना, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।